फाइनली रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के ट्रेलर ने सब तनकीद करने वालों की जुबान ही बंद करवा दी है। जो लोग इसे कलंक जैसी फिल्म कहकर फ्लॉप के वर्डिक्ट दे रहे थे वो तो एक तरह से भुकला ही गए हैं, क्योंकि इस फिल्म की कहानी का योनरा ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। करण जौहर इस दफा एक कम्प्लीट इंटरटेनर लेकर आ रहे हैं। थ्रू आउट फिल्म हमें जोक्स, फन, रोमांस, म्यूजिक देखने को मिल रहा है, और वो लोग जो सिर्फ इसलिए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर तनकीद कर रहे थे कि भाई रणवीर और आलिया में हिस्ट्री ही नहीं देखने को मिल रही, उनके लिए पूरा ट्रेलर एक टॉर्चर से कम नहीं। क्या कमाल की केमिस्ट्री रणवीर और आलिया में देखी जा सकती है। ट्रेलर के स्टार्ट में ही जैसे रॉकी और रानी में बहस चल रही होती है और लास्ट तक जहां एक रियल टाइट स्मूच देखने को मिलती है, तो केमिस्ट्री इज टॉप नॉच। क्योंकि रणवीर और आलिया पहले भी एक साथ द गली बॉय में काम कर चुके हैं, तो या तो फर्स्ट टाइम हो फिर केमिस्ट्री में शायद कोई कमी रह जाती हो, लेकिन अगर एक्टर्स अच्छे हो तो पहली फिल्म में ही धूम मचाई जा सकती है। और रणवीर सिंह की एक्टिंग पर तो जरा भी शक नहीं, वो चाहे संजय लीला बंसाली के साथ की जाने वाली फिल्म्स हो, गली बॉय या इवन 83, जो बॉक्स ऑफिस पर तो इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर सकी, लेकिन रणवीर की एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया। मसाला सिर्फ फिल्म को चूज करने का है कि कौन सी फिल्म चूज की जा रही है। अब अगर शाहरुख, सलमान, आमिर या इवन नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म ही अच्छी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो सिर्फ एक्टिंग काम नहीं आने वाली। अब इस फिल्म का कंपेयर बनता है 2014 में रिलीज होने वाली फिल्म टू स्टेट्स से, जिसे धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस भी किया था, जहाँ में पंजाबी और तमिल फैमिली के दो लवर्स एक साथ दिखाए गए, जबकि दोनों फैमिलीज एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। पंजाबियों पर अनएजुकेटेड होने का इल्जाम लगाया जाता है और तमिल फैमिली बड़ी एजुकेटेड दिखाई जाती है। इसी तरह रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी पंजाबी और बंगाली फैमिलीज पर ही पूरी फिल्म घूमती नजर आएगी, जिनके बच्चे यानी रॉकी और रानी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मगर मसला वही टू स्टेट वाला आ जाता है कि हमारी फैमिलीज एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इसलिए रॉकी जो के पंजाबी हैं रानी की बंगाली फैमिली के साथ रहने लग जाते हैं ताकि वो उनकी फैमिली को पसंद आ सकें, और रानी जो के बंगाली हैं रॉकी की पंजाबी फैमिली के साथ रहना शुरू कर देती हैं, जहां रॉकी की एजुकेशन पर रानी की फैमिली सवालात उठा देती है। जब बात चल रही होती है कंट्री के जनरल इलेक्शन में वोट देने की, और रॉकी समझते हैं बिग बॉस में कॉन्टेस्टेंट्स को वोट देने की बात हो रही है, इसी तरह रानी को भी रॉकी की फैमिली कल्चर सिखा रही होती है। जब जया बच्चन जी रानी को सर पर दुपट्टा लेने के लिए गुस्से से देखती हैं, तो बहुत ही फन इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आखिर में फैमिली वैल्यूज को भी दिखाया गया है। जब दोनों की फैमिलीज में इतना डिफरेंस होता है तो बजाय फैमिलीज को छोड़कर शादी कर ली जाए, रॉकी और रानी एक दूसरे से कहते हैं कि हम अब अपना रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं, यानी फैमिलीज की खातिर अपना प्यार छोड़ा जा रहा है, तो इमोशंस भी खूब देखने को मिलेंगे। इसलिए वो सारा क्रिटिसिज्म जो रॉकी और रानी के टीजर के वक्त किया जा रहा था, करण जौहर ने उसे साइलेंस ही कर दिया है, और करण जैसी मिस्टेक रिपीट ना करने वाली अपनी स्टेटमेंट पर भी पूरा उतरे हैं, तो इसीलिए ये कमर्शियल फिल्म शोर फायर हिट होगी।